कुछ नहीं रुके बजरंग बली जी यहाँ पर निवास करते हैं। इसकी हाइट है कितनी? 3000 मीटर। यह गढ़ यहाँ पर पहले पुराने जमाने देख रहे हैं। यह छोटा मंगाल, यह है पूरी छोटा मंगाल की घाटी। यह जिला मंडी से जिला चंबा तक जाता है। यहाँ से है बड़ा मंगाल का रास्ता। ये आपको दिख रहा है रास्ता, इसके पीछे पैदल ट्रैक है जो कि आपको लगते है 3 दिन पहुंचने में। जो आप बर्फ वाले पहाड़ देख रहे हैं, ये है थमसर पास। यहाँ से बड़ा मंगाल के लिए रास्ता है जो कि 3 दिन का ट्रैक है। बड़ा ग्राउंड टू बड़ा मंगाल फर्स्ट डे। ये जो देख रहे हैं ये नलौता, ये जो देख रहे हैं आप बड़ा ग्राम, जो हमारे नीचे है वो है राजगुंदा और इसके पीछे है कुकड़गुंदा और इसके पीछे है डिमांड और इसके पीछे है पलाचक। यह है दौलाधार रेंज। ये जो हम जहाँ पर थर्मल कैच कर रहे हैं ये है मंदिर में। ये दिख रहे हैं एक हमारा फ्रेंड मुज्जू है, ये भी काफ़ी कोशिश कर रहा है हमारी तरफ आने की। और ये जो छोटे छोटे पौधे दिख रहे हैं आपको ग्रीन ग्रीन, ये धूप, ये देसी धूप। ये देखो ये छोटे छोटे ग्रीन ग्रीन दिख रहे हैं देसी धूप, जिससे वो काफी लोग इसको यूज करते हैं। तो नीचे वो देख रहे हैं जिसको बोलते हैं मंदिर, जहाँ पर सब्जी उगाई जाती है। जो आपको घोड़ दिख रहे हैं यहाँ पर फूलगोभी, बंद गोभी, मूली वगैरह बीजी जाती है। इतनी दूर यहाँ के लोग बहुत मेहनती है, इतनी दूर दूर भी फसल उगाई जाती है। ये जो आप देख रहे हैं कोठिकोड़ का है टॉप, यहाँ से लोहाटी और कोठिकोड़ सेम ही, एक रिजी पे दूसरी तरफ है लोहाटी, इस तरफ है कोठिकोड़। ये देखो ड्राई करते छाई करते यहाँ गर्म। ये जो बर्फ वाले पहाड़ देख रहे हैं यहाँ पर डायनासोर, जो कि वो शिवजी भगवान का डर है, जहाँ पर शिवजी भगवान नहाया करते थे। और हम उसी तरफ जा रहे हैं। अभी हमारी हाइट कम है, हमें हाइट कैच करना पड़ेगी। अभी हमें टाइम लगेगा, काफ़ी स्ट्रगल करना पड़ेगा। अभी हम कोठिकोड़ के टॉप है और एक हमारा फ्रेंड अब पीछे से आ रहा है, वो अभी दिख नहीं रहा।
वो भी आ जाएगा, उसकी भी हाइट मैक्सिमम हमारी हाइट के बराबर है। यहाँ पर देख सकते हैं आप, एक भी पेड़ नहीं है। आप अंदाजा लगा सकते हैं आप कितनी हम कितनी हाइट पे हैं। अभी इसी हाइट पे आपको जंगली जानवर मिलेंगे, बाकी और कुछ कोई नहीं मिलेगा। रोड के बीच में घुस रहे हैं, देखो हमारी हाइट 5000 मीटर पे है, लोड भी हमारे नीचे नीचे की तरफ जा रहे हैं, आप देख सकते हैं भाई लोग। और ठंड की मात्रा भी बहुत ज़्यादा है, जितने हम हाइट गेन कर रहे हैं उतनी ज़्यादा ठंड का मात्रा भी बहुत बढ़ रही है। और हाइट पे जाएंगे तो कैमरा भी ऑफ हो सकता है, इसका कोई डाउट नहीं है। ये देखो देख सकते हैं आप, थोड़ा लाइट इधर दुरुस्त दिख रहा है, अभी तो गायब हो गया। अब हम आ गए लोहाटी के टॉप में। देखो हमारे हाथ देखते हाथ, हमारे हाथ में बर्फ जमा है, इतना टेम्परेचर माइनस में जा रहा है, हमारा ग्लाइडर में भी बर्फ जमा हुआ है थोड़ा थोड़ा आप दिख रहा है आपको, और बर्फ गिर रहा है, देखो लाइव बर्फ स्नोफॉल हो रहा है और ये किसी जगह टूट जाएगा। ठीक है, अभी हम हमारा टारगेट है सीधे स्टेट वाली रिज पे, हम उस रिज की तरफ जा रहे हैं। ये छोटे छोटे क्लाउड है, इस क्लाउड क्या बोलते हैं, क्यूमुलस क्लाउड, जो कि धीरे धीरे बड़े होके जाएंगे। टाइम हुआ है 12:30, हम डायनासोर की तरफ जा रहे हैं। अभी ये शेड भी पड़ी है, इसके कारण थर्मल थोड़ा कम हो जाता है। देखते आगे क्या होता है, चलो।
अभी हम 6000 फीट की हाइट पे धोबी में होगा। हमने गाड़ी को कॉल कर दिया है, गाड़ी लैंडिंग पे पहुंच गई है और आप देख रहे हैं मनाली के इन पहाड़ों में भी बहुत सारा। हम पहुंच चुके हैं कुल्लू में, यह देख रहे हैं आप धोबी, यह धोबी की साइड, वो जो आप देख रहे हैं वहां पर है धोबी का टेक ऑफ, यह लैंडिंग साइड। अभी हम घूमने जा रहे हैं, हमारी हाइट काफी ज्यादा है तो हम तो राउंड लगा रहे हैं सभी कुल्लू का पूरा ग्राउंड। फाइनली हम सोलंग वैली पहुंच गए हैं। देखो ऊपर देखो ये फ्लाई हो रही है।
गाइस फाइनली हम सोलंग वैली पहुंच गए हैं। देखो देखो पैराग्लाइडिंग हो रही है यहाँ पर। यस सोलंग वैली, और जो आप देख रहे हो वो रोप वे। अभी हम पुल क्रॉस करने जा रहे हैं, देख सकते हैं आप यहाँ का नेहरू कुंड। ओह ये नेहरू कुंड का पुल, गाड़ी बच गई है। बहुत ही कंजेस्टेड है और बहुत ही क्लोज है, ज्यादा बड़ी गाड़ियां यहाँ पे आ नहीं सकती, तो इसलिए हम भी इस पुल का मजा लेते हैं। मजा आ रहा, बहुत अच्छा लग रहा है। और आगे से फोन आ रही है, सीधा बस शिफ्ट की और गर्म पानी से नहाने। अरे भाई हरजा साइड देख सकते हैं इस पहाड़ को। नेहरू कुंड का जो है पहाड़ बहुत ही खूबसूरत है, लोग यहाँ पे बहुत दूर दूर से आते इसको देखने। और ये रहा ठंडा ठंडा पानी यहाँ पे नेहरू कुंड का, पर हम यहाँ पे नहीं रुकेंगे, हम सीधा अभी बस शिफ्ट ही जाएंगे। अभी अंधेरा होने वाला है तो हमें अभी नहाना है, इसलिए हम यहाँ पे नहीं रुक सकते, हमारे पास टाइम नहीं है। तो आपको आगे मिलाते हैं वशिष्ठ में। ऊपर वशिष्ठ के ऊपर देख सकते हो उस पहाड़ में बर्फ गिरी है, ताज़ा ताज़ा हिमपात हुआ है, बहुत ही खूबसूरत नज़ारा हमें देखने को मिल रहा है। शायद आपको नहीं मिल रहा होगा क्योंकि अभी अंधेरा होने वाला है, तो इसलिए आपको नहीं दिख रहा होगा। सनलाइट उस तरफ से पड़ रही है इसलिए कैमरा में सही नहीं आता है। हेलो गाइस, ये देख रहे हैं होट ब्लोन। इसमें भी हम कल टिकट लेंगे और इसमें भी सफ़र करेंगे। ये जो देख रहे हैं गैस के फ्लरे, ये गर्म हवा से उड़ता है ग्लाइडर। इसको देखिए अभी हम जा रहे हैं वशिष्ठ की ओर गर्म पानी से नहाने। आज फ्लाई करके बहुत थक गए हैं इसलिए वहाँ जाके नहाएंगे धोएंगे तब जाके रिलैक्स फील होगा। अभी हम बुरुआ पहुंचे हैं, पार्क पहुंचने वाले हैं और नहाने को जगह कर जी बंद है तो जगह कटी बिल्कुल चमका के रख रही।